रेस्टोरेंट जाकर खाना जेब पर भारी पड़ सकता है। लागत बढ़ने की वजह से रेस्टोरेंट पहले ही मेन्यू में खाने का रेट बढ़ा रहे हैं और अब सर्विस चार्ज को लेकर सख्ती से मेन्यू और महंगा होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक सर्विस चार्ज को भी मेन्यू में जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो खाने के तेल, सब्जियों की महंगाई और खाना पकाने के लिए महंगे ईंधन से 6 महीने में रेस्टोरेंट्स की लागत 25% तक बढ़ गई है। खाने का तेल करीब 55% महंगा हुआ है। ईंधन, सब्जियों और चिकन की महंगाई भी 10-49% तक बढ़ी है और मेन्यू में दाम बढ़ाकर रेस्टोरेंट ने इन बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों से वसूलना शुरू कर दिया है। कई रेस्टोरेंट्स ने खाने का रेट 10-15% तक बढ़ा दिया है। उधर रेस्टोरेंट्स के सर्विस चार्ज को लेकर फिर से विवाद पैदा हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने पिछले हफ्ते रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज को गैर जरूरी बताते हुए आदेश दिया था कि रेस्टोरेंट खाने के बिल में इसे नहीं जोड़ सकते। CCPA ने सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन देश में रेस्टोरेंट्स के संगठन NRAI ने सर्विस चार्ज लगाना रेस्टोरेंट का अधिकार बताया था। NRAI के ट्रस्टी अनुराग कटियार का कहना है कि IRCTC जैसी कुछ सरकारी एजेंसियां भी सर्विस चार्ज वसूलती हैं। साथ ही हवाई टिकट, सिनेमा टिकट और होटल बुकिंग पर भी अलग अलग नाम से सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर ही सख्ती कर रही है, जो सही नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश के बाद रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज वसूलने का तोड़ ढूंढ लिया है। रेस्टोरेंट अब खाने के रेट में ही सर्विस चार्ज को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से खाने के बिल पर औसतन 5-18% सर्विस चार्ज वसूला जा रहा था और इसे भी खाने के बिल में जोड़ दिया तो बिल 10% बढ़ना तय है। यानी रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूले या नहीं, लेकिन ग्राहकों की जेब कटना तय है। मणि 9 के लिए मनोज कुमार।